बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर वन का एक टॉपिक है स्टीरेडियन, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टीरेडियन जो है दैट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब आपको पता नहीं होगा कि सॉलिड एंगल क्या है, तो इसलिए पहले हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं। तो सॉलिड एंगल जो है इज़ डिफाइंड एज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सपोज के आपके पास एक वाटरमेलन है, स्फीयर है, उसमें आपने कोई भी सरफेस ले ली, ये आपने सरफेस ले ली, ये सरफेस सेंटर में कितना एंगल बनाएगी, ये थ्री डायमेंशनल एंगल बनेगा, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, ये ऐसे शेप बनेगा, ये आप देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है स्फीयर की, ये सेंटर में जो एंगल बना रही है उस इस एंगल को, ये जो यहाँ पे बन रहा है थ्री डायमेंशनल, ये कुछ इस टाइप का एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो स्टीरेडियन जो है दैट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब हम स्टीरेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सपोज करें कि ये आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, और ये जो हमने सरफेस ली है अगर इसका एरिया जो है ये आर स्केयर के बराबर हो जाए, यानी सपोज कि अगर जो स्फीयर का रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो या 2 आप उसको 10 सेंटीमीटर ले लें, 10 सेंटीमीटर उसका अगर रेडियस है तो उसका 10 का स्केयर 100 सेंटीमीटर स्केयर, तो 100 सेंटीमीटर स्केयर ये जो एरिया आएगा, ये एरिया सेंटर में जितना एंगल बनाएगा ये एंगल कहलाएगा 1 स्टेडियन। यानी अगर हम इसकी बात करें सॉलिड एंगल, ये हमने यहाँ पे तो कोई भी सरफेस ली थी, अगर इस सरफेस का एरिया इस रेडियस के स्केयर के बराबर आ जाएगा तो ये जो एंगल है ये 1 स्टेडियन हो जाएगा। यानी 1 स्टेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हम देखते हैं कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ स्फीयर, हाउ, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ मैनी स्टेडियंस आर देयर इन अ कंप्लीट स्फीयर। जैसे रेडियन के केस में हम देखा था कि जो पूरा सर्कल है वो सेंटर में 2π रेडियन एंगल बनाता है, इसी तरह हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि पूरा स्फीयर जो है ये सेंटर में कितने स्टेडियंस एंगल बनाएगा, यानी हाउ मैनी स्टेडियंस आर देयर इन अ कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर में सेंटर में कितने स्टेडियंस एंगल बनेगा, तो हमें पता है कि जो एरिया है स्फीयर का वो होता है 4π r², तो हम ये भी जानते हैं, अभी हमें देखा सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया r², ये भी हमने देखा 1 स्टेडियन के बराबर होता है। मीन r² अगर एरिया है तो वो कितना एंगल बनाता है सेंटर पे? 1 स्टेडियन। अगर हम पूरा स्फीयर लेंगे तो उसका एरिया तो 4π r² हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया 4π r², यानी होल स्फीयर, तो वो बन जाएगा 4π stadium। और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 हम लेते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5 stadium, 12.5 stadium। यानी कंप्लीट स्फीयर जो है वो सेंटर में 12.5 stadium एंगल बनाएगा। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है, यानी प्लेन, दो प्लेन्स के दरमियान या दो लाइन्स के दरमियान जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। जबकि जो प्लेन एंगल, जो सॉलिड एंगल होता है ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है,
जैसे ये अभी मैंने आपको एक कोन दिखाई थी जो सेंटर यहाँ पे एंगल बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इसके जो यूनिट है स्टेडियन है, इसके जो यूनिट है वो रेडियन है।